दीपावली के चलते पिछले 9 दिनों से प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव बाजार बंद थी। हालांकि मंगलवार से मंडियां खुल गई हैं और प्याज के साथ साथ अन्य अनाजों की भी नीलामी शुरू हो गई है, लेकिन लगातार 9 दिनों तक मंडियां बंद होने से प्याज उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं अब प्याज उत्पादक किसानों के सामने नई समस्या आ गई है। दरअसल देश में प्याज के बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने नैफेड के जरिए 285,000 मैट्रिक टन प्याज की खरीदी दूसरे राज्यों से की थी। इसमें से 115,000 मैट्रिक टन प्याज बफर स्टॉक से देश के खुले बाजार में लाने का फैसला किया है। अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से आए कुछ कंटेनरों में से मुंबई के बाजारों में पहुंचेगा, जिसे लेकर महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम इतने महीनों से मेहनत कर प्याज की अच्छी खेती करते हैं ताकि हम किसानों को कुछ अच्छे दाम मिले। प्याज की अच्छी कीमत मिलने पर केंद्र सरकार ने विदेशों से प्याज आयात करने के फैसले को बदलना चाहिए, उन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए। पिछले 9 दिनों से प्याज और अनाज की नीलामी बंद थी, जिसके चलते किसानों को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो वहीं मंडी समितियों के बंद होने से 200 से 250 करोड़ रुपए की कृषि सामान का लेन देन ठप हो गया था। नासिक मंडी समितियों में प्रतिदिन 25 से 30 करोड़ रुपए के कृषि अनाजों की नीलामी के माध्यम से नासिक जिले में कारोबार होता है। किसानों का कहना है कि हम कई महीने मेहनत करते प्याज की खेती की देखभाल करते हैं ताकि हम किसानों को सही भाव मिल सके, और कभी बारिश की आज से फसलें खराब हो जाती हैं जिससे किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पाता है। ये सब नज़रअंदाज करके केंद्र सरकार ने आयात निर्यात के कानून में बदलाव कर विदेशों से प्याज आयात करने का फैसला किया है। सरकार को किसानों को लेकर विचार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने बताया है कि पहले से ही भारी बारिश की वजह से प्याज उत्पादक किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का ना नैफेड के माध्यम से खरीदे गए प्याज का बफर स्टॉक आयात करना शुरू कर दिया है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। भारत दिगोले ने कहा है कि विदेशों से प्याज आयात कर देश में बफर स्टॉक लाने के फैसले का विरोध करते रहेंगे। भारत दिगोले ने किसानों को मंडी समिति में चरणों में प्याज बेचने में जल्दबाजी ना करने की सलाह भी दी है। सरकार के इस फैसले पर राज्य प्याज उत्पादक संघ ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।